Hello students of 8th class. Today we will read chapter number 6, The Ant Loin. This is page number 81. This chapter has been written by the Australian writer Judith Wright. And she was the short story writer and she was the poetess also. On that time, she wrote the many short stories for the small children. And the Ant Loin has been taken, and this is the extract from that short stories. The little creatures are creation of the God, and they have their own system of living and survival. Small children observe them, and they are so innocent, and they play with them and observe the movement of little creatures. So in this story, there are the two children, Max and Marvina. They both children, they are playing with the movements of ant loin. And there is also a meat ant. जो ये ant loin है, ये एक कीड़ा है जो के छोटे कीड़ों का या चींटियों का शिकार करता है. तो Marvina और Max जो है वो बैठकर जो उसका जो डिग है या होल है जहाँ पर ये रहता है ant loin, तो वहाँ पर उसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं इसके एक्शंस को, देखते हैं कि किस तरह से ये अपने शिकार को पकड़ता है और ये चींटी का शिकार करता है. और देखते देखते ये बहुत सारी चींटियों का शिकार करता है और किसी को एब्डोमन से पकड़ता है और वो उसकी बॉडी को जल्दी जो है वो पकड़ कर उसका शिकार कर लेता है. तो Marvina और जो Max हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं और उनकी मूवमेंट्स को देखते हैं. तो इस तरह से वो एंड तक पूरी स्टोरी जो है वो इसी जो है वो बैटल फील्ड में है कि किस तरह से शिकार करने वाला और शिकार होने वाला जो है उनके सारे जो एक्शंस हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं. सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. वर्ड्स टू नो. एरिना, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेडियम इन विच द कॉन्टेस्ट टेक प्लेस. तो एरिना से मुराद ये है कि वो बैटल फील्ड जहाँ पे वो जो खासतौर पे जो कीड़े हैं अपना जो एक्शन से हम रोल प्ले करते हैं. सिकाडस, द ट्रांसपेरेंट विंग्ड श्रेल चिरपिंग इंसेक्ट. कॉन्टोर, आउटलाइन एंड डेक्स्ट्रस, डेफ्ट एंड क्लेवर. डायमेंशंस, साइज, लेंथ एंड ब्रेथ. तो डायमेंशंस जो है वो सीमतों या अतराफ जो होती हैं वो भी होती हैं. तो ये ब्रेथ एंड लेंथ, हाइट ऑफ समथिंग. डिंगो, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड डॉग है. एंड रैप्चर, डिलाइटेड इंटेंसली एंड फ्रेंटिकली इन अ वाइल्ड एक्साइटेड मैनर, खुशी से. फ्रेजेंटली एंड दिस इज वाइल्डली एज इफ इन अ पैनिक. जिंजरली, तंगी से या नाखुश होकर. विद एक्सट्रीम कॉशन सो टू अवॉइड मेकिंग अ नॉइस और इंजरिंग वन सेल्फ. वर्ड्स टच. ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, जिसको जिद्दी कहते हैं. परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, डिटर्मिनली. रिलेंटलेस, नॉट बिकमिंग द लेस स्टर्न, नॉट यील्डिंग. एंड रूथलेसली, बेरहमी से, इन अ पिटीलेस वे. स्पेसमोडिक, रुक रुक का करना. जर्कली, इन अ फिट्स एंड स्टार्ट. ट्रेचियसली, दिस इज डिसेप्टिवली. द एंट थिंक्स द सैंड विल स्टे स्टिल बट इट डजंट. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ. ही कांट गेट आउट, ही कांट गेट अ होल्ड ऑफ इट. Marvina क्राई. हियर द स्मॉल गर्ल Marvina जो है वो कह रही है कि वो बाहर भी नहीं आया एंड वी कांट गेट अ होल्ड ऑफ इट और उसने उसको पकड़ा भी नहीं है. शी थ्रस्ट सडनली और उसने जल्दी से उसको सडनली जल्दी से पुश किया, खींचा अपनी तरफ. विद द एंड ऑफ ट्विग और उसकी आखिरी सिरे से पकड़कर. ट्राइंग टू पुश द एंट अप द शिफ्टिंग सैंड स्लोप ऑफ द पिट. पिट कहते हैं वो छोटा सा गड़ा जिसमें के वो इंसेक्ट्स जो है वो रहते हैं. उसने उसको अपनी तरफ खींचा और उसको
शिफ्ट किया, जो सैंड स्लोप है, जो एक छोटा सा गड़ा उन्होंने बनाया है जो रेत से उन्होंने भरा हुआ था, तो उसके ऊपर एक स्लोप बनी हुई है, तो उसने उसको शिफ्ट किया। जब वो बाहर निकला तो सैंड स्लोप जो है वो शिफ्ट हुई। बट हर ब्रदर लेइंग ऑपोजिट हर फिल्ड हिज चीक्स विद एयर एंड ब्लू हार्ट। लेकिन उसका भाई जो है वो दूसरी साइड पर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ, और उसने अपने चीक्स में, अपने गालों में हवा भरी है एंड ब्लू हार्ड, और उसने बाहर निकाली है। द एंट फेल बैक टू द पिट बॉटम एंड इन अ मोमेंट इन अ लिटिल फ्यूरी ऑफ जॉस बर्स्ट आउट एट इट। तो ऐसे करते करते इतनी सी कोशिश में वो जो एंट है वो दोबारा पिट बॉटम जो है वो पिट बॉटम में रहती है, जो उस गड़ा है उसके दरमियान में, बॉटम में वो रहती है, तो वहाँ पर वो दोबारा जो है वो स्लिप हो जाता है, जिससे फ्री ऑफ जॉस से मुराद है जब हम गुस्से में अपने जॉस को एक शेप देते हैं, लिटिल जॉस, तो वो दांतों को यूँ पीसना उसको कहते हैं, तो उसी मोमेंट उसने दांतों को पीसा एंड सीज्ड इट्स, उसको काबू करने की कोशिश की, पर कब्जा किया। वैनिश्ड अगेन, तो फिर से जो है वो वैनिश्ड, गायब हो गया। ओनली अ फ्लरी ऑफ सैंड इन द बॉटम ऑफ द लिटिल पिट मार्क फॉर अ फ्यू सेकेंड द एंट्स लास्ट स्ट्रगल। तो एक स्मॉल फ्लरी ऑफ सैंड जो है वो स्मॉल मास जो उसको कहते हैं, छोटा सा एक बॉटम में, द लिटिल पिट मार्क फॉर अ फ्यू सेकेंड, वो थोड़े सी सेकेंड्स के लिए वो मार्क हुआ, बट एंट्स लास्ट स्ट्रगल, तो इस तरह लगता था कि वो उसकी आखिरी कोशिश है। द टू चिल्ड्रन सेट अप स्लोली, वो आहिस्ता से बैठे, ब्रीथिंग अगेन, और दोबारा ब्रीथिंग अगेन से मुराद है दोबारा से बूस्ट अप हुए, दोबारा से उन्होंने एफर्ट स्टार्ट की। दे लुक्ड एट ईच अदर विद अ काइंड ऑफ गिल्ट, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ गिल्ट से देखा। गिल्ट जो होता है वो शर्मिंदगी या अफसोस है कि वो उसको पकड़ नहीं सके, एंड दे आर ट्राइंग अगेन। मैक्स फेस वॉज क्वाइट रेड, मॉर्विना माउथ वॉज ओपन। मैक्स का जो फेस था वो रेड हो गया जब उसकी एफर्ट जो है वो यूजलेस रही, तो मॉर्विना माउथ वॉज ओपन, तो वो हैरानगी में उसका मुंह भी ओपन है। हाउ मैनी वुड ही किल, तो अब वो देख रहे हैं कि एंट लॉयन जो है वो कितने चींटियों को मार सकती है। आई वंडर, मैं बहुत हैरान था। मैक्स सेड दैट्स द थ्री वी हैव गिवन हिम, तो ये थ्री हैं जो हो सकता है हमने उसको प्रोवाइड किया। बट दे वर ऑल लिटिल वंस, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे और टाइनी हैं। आई विल गेट अ मीट एंड सी व्हाट ही डस, तो मैं जो है वो इसके सामने मीट एंट जो है ये भी एक कीड़े का नाम है, तो वो मैं इसके सामने रखूँगा, एंड लेट सी व्हाट विल हैपन। ओ नो मैक्स, डोंट आई डोंट वॉन्ट यू टू, मॉर्विना क्लेंच्ड हर हैंड, तो उसने कहा कि नहीं तुम ऐसा मत करना, और उसने अपने हाथों को यूँ जकड़ा मॉर्विना। बट शी कुड नॉट हेल्प लुकिंग राउंड इन द ग्रास फॉर अ मीट एंड ट्रैक, तो लेकिन वो मीट एंड के ट्रैक में उसकी कोई हेल्प ना कर सकी, एंड लेड टू द एंट हिल फर्दर अप द स्लोप, और उसने जो एंट की जो हिल है जो उसने बनाई हुई थी फर्दर अप, उसको स्लोप की तरह थी। मैक्स वेंट अक्रॉस टू इट, मैक्स जो है वो उसके पास गया होल्डिंग हिज ट्विग, और उसको उसके आखिरी सिरे को पकड़ा एंड बेंड डाउन, और उसको नीचे को किया, बेंड डाउन किया। मॉर्विना गेव अ स्क्रीम, तो वो चीखने लग गई, इफ़ यू डू मैक्सी आई विल किल द लॉयन आई विल ट्रूली, तो वो मॉर्विना जो है वो थोड़ी सी खौफजदा भी होती है, और वो स्क्रीम करती है, चिल्लाती है, और अपने भाई को कहती है यू आर एनफ बोल्ड, तो ऐसे ना करो, तो मैं इस तरह से आई विल किल द लॉयन, तो इस तरह से तो एंट लॉयन जो है वो इस तरह से मार चुका। डोंट यू डेयर, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैक्स सेड इट्स द फर्स्ट एंट लॉयन वी हैव एवर सीन एंड वी माइट नेवर फाइंड अनदर, तो ये एंट लॉयन शायद हमने ये पहली दफ़ा इस तरह का देखा है और फिर हम कभी इस तरह का नहीं देख पाएंगे। आई वॉन्ट टू शो इट टू एवरीवन, तो मैं ये सबको दिखाना चाहती हूँ। ही केम बैक, वो दोबारा आया होल्डिंग हिज ट्विग जिंजरली एंड टर्निंग इट फ्रॉम एंड टू एंड, तो उसने नाखुश होकर उसको दोबारा से होल्ड किया उसके आखिरी सिरे को, और उसने उसके एंड टू एंड रेड एंट रश्ड अलोंग इट, तो अब रेड एंट जो है वो उसकी तरफ बढ़ी। मीट एंट्स
could bite. तो अब मीट एंट्स जो है वो भी जो है वो बाइट कर सकती हैं या वो भी काट सकती हैं. नाउ आई पुट इट इन, मैं इसको दोबारा अंदर डाल दूंगा. ही सेड लुक मॉर्विना, ही शॉक द ट्विग हार्ड ओवर द लिटिल बिट. तो अब उसने वो जो उसका आखिरी सिरा पकड़ा तो वो लर्ज उठा, बिल्कुल जो है वो कांपने लगा और उसको पिट में डाल दिया. पुट बट द एंट वॉज ऑब्स्टिनेट, लेकिन जो एंट जो थी एंट लॉयन वो कुछ ज़िद्दी किस्म की थी. एंड क्लंग एंग्री इंटेंट द फाइनली डिसलॉज इट विद अ ब्लेड ऑफ ग्रास. तो उसने फिर इरादा किया कि इसको ख़त्म कर दे तो ग्रास के साथ, ब्लेड ऑफ ग्रास के साथ. मॉर्विना सैट विद हर हैंड ओवर हर आइज, तो मॉर्विना जो थी ये सब कुछ देखती रही और उसके पास बैठी रही. नो आई वुडंट लुक, मैं इसको नहीं देखूंगी. शी सैड इट्स ऑफुल ऑफ यू, उसने कहा कि ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत सब कुछ जो तुम कर रहे हो इट्स वेरी बैड. बट द एंट वॉज इन द पिट, तो एंट जो थी वो अपने गड़े या उसके जो है होल के अंदर चली गई. मॉर्विना पियर थ्रू द क्रैक बिटवीन हर फिंगर्स एंड सॉ इट. मॉर्विना ने एक क्रैक के जरिए, एक थोड़े से सुराख के जरिए दोबारा से पियर झांका, उसके अंदर देखा. इट लुक बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ये बहुत बड़ी है और मजबूत भी है. फ्रेंजिडली, तो फ्रेंजिडली पुलिंग डाउन द सैंड ऑफ द स्लोप इट स्ट्रगल टू एस्केप. तो उसकी जो कोशिश है वो बहुत, इट्स वेरी पैनिक है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है कि उसको सैंड, स्लोप ऑफ सैंड से बाहर निकालना और उसको एस्केप करना. परहैप्स इट माइट गेट अवे, हो सकता है ये बाहर आ जाए. मॉर्विना टुक डाउन हर हैंड एंड लीन फॉरवर्ड, और उसने अपना हाथ जो है वो नीचे किया और उसकी तरफ झुक गई. इन अदर माइंड्स द एंट एंड इट्स अरीना ऑफ बैटल एंड लार्ज. तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि एंट जो है उसका, जिस तरह से ये सारे एक्शंस बयान किए गए थे, अरीना ऑफ बैटल से मुराद ये है कि उसका जो अटैक का बैटल है या उसका जो फाइटिंग स्पिरिट है, इट्स एनलार्ज नाउ, अब ये बढ़ चुकी है. एंड फिल द होल वर्ल्ड, अब उसने सारी दुनिया को भी फिल कर लिया या इन्वॉल्व किया है. अंडर द सैंड एट द पिट बॉटम, सैंड या रेत के नीचे पिट बॉटम में जो दरमियान में उसकी जो जगह है, क्रॉस द लॉयन, तो अब उसने बेंड, क्रॉस में बेंड डाउन हो गया है लॉयन. बिग एज अ रियल लॉयन, इस तरह लग रहा है कि जैसे ये एक रियल लॉयन है. वेटिंग फॉर द एंट टू स्लाइड डाउन एंड द लिटिल फादर, तो अब वो वेट कर रहे हैं कि वो स्लाइड डाउन हो, नीचे की तरफ जाए, लाइक अ लिटिल फर्दर नीचे की तरफ. बट दिस वन वॉज सो बिग, लेकिन ये बड़ा है, बिगर देन द एंट लॉयन इटसेल्फ, ये एंट लॉयन से भी बड़ा है. मैक्स सेड नाउ विल सी सम स्पोर्ट, तो उसने कहा कि हम देखेंगे और वी विल सी सम स्पोर्ट. द एंट वॉज पजल एट द सैंड, तो एंट जो है वो अब पजल है उस सैंड के अंदर. एंड स्लिप सो ट्रेचरसली, तो अब वो स्लिप हो रही है, धोखा दे रही है. एंड परसिस्टेंटली अवे इट इज क्लाइम, अब वो परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है चढ़ने की, क्लाइंबिंग. इट्स स्टॉप स्लिप, तो अब वो जो है वो स्टॉप हो जाती है. वेंट डाउन ऑलमोस्ट द बॉटम, तो अब वो बॉटम में ही जाके वो जो है वो बैठ जाती है. फ्रॉम अ मोमेंट देयर वॉज अ स्टिर इन द सैंड देयर एंड द मॉर्विना जम्प्ड, तो जैसे ही वो सैंड में जो है वो जाते हैं तो मॉर्विना जंप करती है. द एंट माइट हैव सीन इट, तो एंट ने शायद उनको देखा. एंड द रेट इट गैदर्ड ऑल इट्स स्ट्रेंथ एंड मेड अ रश एट द स्लोप, तो अब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसको देखा गया है और द रश एट द स्लोप की तरफ वो भाग गया. एंड द सैंड स्लिड क्विकली, अब जो सैंड है वो मूव करती है स्लिड क्विकली, यानी जल्दी से मूव करती है. बट द एंड वॉज डिटरमिंड, लेकिन जो वो बहुत सैंड के इधर उधर होने से भी एंड जो है वो बहुत पक्की है. ही हैड ऑलमोस्ट रीच द टॉप, वो टॉप पे ऊपर पहुंच जाती है. गुड एंड, गुड एंड, अब मॉर्विना क्राइड कर रही है, ये चिल्ला रही है कि बहुत अच्छा. बट द मैक्स पुश्ड विद द
twig and down went on and to the bottom. तो अब वो दोबारा उसको पुश डाउन करता है और वो अंदर तक हाथ जो है उसका जाता है बॉटम में. फॉर अ मोमेंट नथिंग हैपन, थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं होता. इट्स टू बिग, ये बहुत बड़ा है. मैक्स सेड एंड स्लिप एंड लिप्स बर्स्ट, तो उसके लिप्स जो है वो जिस तरह हम फॉर द मोमेंट हम सांस लेते हैं और थोड़े से सांस अंदर को खींचते हैं, हमारे लिप्स जो है वो बर्स्ट होते हैं, तो ये इसी तरह से लिप्स की शेप बनाता है. एंड द टू चिल्ड्रन स्टेयर डाउन, तो उसको घूरते हैं लेइंग ऑन देयर स्टमक्स हेड ऑलमोस्ट टुगेदर. तो अब उसको देखते हैं तो उसके हेड को भी देखते हैं. द एंड हेजिटेटेड, वो एंड जो है वो अब वो अंदर बैठ गई है हेजिटेट होके, शर्मा के या घबरा के. एंड बिगैन टू स्ट्रगल अप अगेंस्ट द स्लोप, अब वो स्लोप के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल कर रही है. बट नाउ द एंड मूव, अब वो मूव करने लगी है क्विक डेक्स्ट्रस जो है वो क्लेवरली, यानी कि बहुत होशियारी से. इट्स थ्रस्ट इट्स स्टम्पी फोर लेग्स फ्रॉम द सैंड, तो अब जो चार पायों वाले जानवर होते हैं उनके जो पहले दो फ्रंट लेग्स हैं उनको फोर लेग्स कहते हैं. तो अब वो फोर लेग्स के साथ मूवमेंट करती है सैंड के ऊपर. बिगैन टू जर्क इट्स हेड, अपने हेड को ऊपर करती है. हैवी एंड टूल लाइक, जो कि एक बहुत हैवी और एक औजार की मान्यता है. सैंड फ्लू अप, और जो रेत है वो ऊपर कूदती है. हिंडरिंग द बिग एंट, जो कि बिग एंट को छुपा लेती है. सेटिंग द वॉल्स, तो वो स्लिपिंग डाउन, तो अब वो वॉल्स जो हैं वो सैंड की वो स्लिप होती हैं नीचे की तरफ. आ मैक्स ब्रीद, मैक्स ने सांस लिया. लुक एट दैट नाउ, अब इसकी तरफ देखो. तो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो, इन द सेकेंड वीडियो वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, टेक केयर.